वाले हैं। अभी जिनको हम सब लोग सुन रहे थे और मन कर रहा था कि उनको सुनते ही जाए, मशहूर बातें बहुत सरल तरीके से उन्होंने हम सबके सामने रखी। निश्चित रूप से उनका काफी हम सबको प्राप्त हुआ अपनी विजय में। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, मेरे अभिभावक आदित्य नरेश मिश्र, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य नरेश जोशी जी, हमारी बहन आदमी शिवा वर्मा जी, पंडित जी दयाल सेवा पुरस्कार, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में कई सारे दायित्वों में रह चुके हैं, और इस शहर के मेयर आदमी सुनील मुनियाम दामा जी एवं सभी और संचालन करने वाले जिन्होंने आपको और इस मंच को लगातार एक सेतु की तरह जोड़े रखा, आदमी अग्री भी एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और जितना भी मेरे से पूर्व वाले वक्ताओं ने सबने बोल दिया और आदरणीय विजय जी का इस प्रकार से यहां से संबोधन हुआ, और मैं कहूं कि सही मायने में हम सब लोगों को एक सही पाथे दिखाने का उन्होंने काम किया। उसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ बच नहीं जाता है, और विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं जो विधानसभा के अंदर ऊपर से हमेशा निर्देश करते हैं, तो उनकी भाषा में मैं ये कहूँ, विधानसभा की भाषा में, तो मैं अपने आप को उन सबसे संबद्ध कर लेता हूँ। पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलना सूरत को दिया दिखाने जैसा है। उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत अंतिम क्षण में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे हम पहुंचेंगे उसके बारे में विस्तार से आदमी बीजेपी ने बता दिया, और उसी सोच को लेकर आज हमारे जो भारत की सरकार है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो उस सबको साकार करने का काम कर रही है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान है, उनकी सादगी है, उनकी सरलता है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, एक बार का प्रसंग है कि वह कहीं से आ रहे थे और बनारस रेलवे स्टेशन के आसपास उनकी गाड़ी खराब हो गई, और उसमें बैठे हुए जो सहयात्री थे वो इधर उधर घूमने चले गए, अपने मित्रों से मिलने चले गए, और गाड़ी का जो ड्राइवर था वो पंचर लगाने लगा, वो पंचर लगाने में व्यस्त था, और जब उसने पंचर लगा लिया तो उसने देखा कि जो गाड़ी का पंचर टायर है, स्टेपनी है, वो सब की सब पीछे नहीं है, वो सारी गायब हो चुकी है। तो इधर उधर देखने लगा तो पंडित जी ने कहा कि जब जल्दी हो रही है तो उसमें सहयोग हो गया। तो ड्राइवर ने जब बताया, वो कहानी सुनाते सुनाते रोक पड़ा। इतने सरल और इतनी सादगी उनके जीवन में थी, बहुत सारे उदाहरण, और बहुत बड़े बड़े लोग, में कई सारे लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि वो सारे काम अपने स्वयं करते थे, साथ ही से रहते थे, इस कार्यालय में रहते थे, झाड़ू पोछा से लेकर सब काम वो स्वयं करते थे। इस प्रकार से उन्होंने लखीमपुर के रेलवे स्टेशन पर लगातार 14 दिनों तक चना खाकर अपने को अपने जीवन को आगे चलाया। आज इस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद और बहुत प्रकार की जो राजनीति आज हो गई है, और ऐसे समय में जब वो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं कहीं पर बहुत प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के उपक्रम करते हैं, तो वैसे समय में जब वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं हारना पसंद करूंगा, जन से जब चुनाव लड़ रहे थे, और ये जातिवाद और इस क्षेत्रवाद में
मैं कतई नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार की उनकी इच्छा शक्ति थी जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देती है। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिनका स्वयं थोड़ा सा उल्लेख आदरणीय नरेश जी ने किया कि बहुत सारी योजनाएं, जितनी योजनाएं भी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो प्रारंभ की गई है, उसमें आयुष्मान भारत योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए पहुंचने वाली ऐसी योजना है जो पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने वाली है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर भी अभी तक 3.5 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया, इस योजना से लाभान्वित। 460 करोड़ रुपए सरकार का इसमें अभी तक खर्च हो गया उत्तराखंड के अंदर। और इस ये दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बड़ी योजना है। हालांकि कहीं कहीं पर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इस योजना को लॉन्च हुए 3 साल हुए और 3 सालों में बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। उस कार्यक्रम में मैं गया था, मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, उसमें अस्पतालों के संचालक आए हुए, लाभार्थी आए हुए, उन अपने संबोधन में मैंने कहा कि योजना बहुत अच्छी है और जिस उद्देश्य से बनाई गई है वो योजना का उद्देश्य इससे भी अच्छा है। हम पहुंच रहे हैं 90%, 95%, कहीं कहीं 85%। अभी हमको 100% लोगों तक योजना पहुंचाना है। अस्पताल के लोगों से भी मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा बहुत बार ये होता है, क्योंकि इस योजना के जो रेट है वो वही रेट है जो रेट होनी चाहिए, तो उसको लेकर कई बार एडमिशन में, कई बार इलाज करने में जो दिक्कतें होती हैं उसको हमने और व्यवहारिकता से लागू करना है और सख्ती से लागू करना है। हमने अनुरोध पहली बार किया, आगे से लागू करने में। इसी प्रकार से जो आयुष्मान योजना के कार्ड बनते हैं उन कार्डों को बनाने के लिए 30 रुपए की धनराशि खर्च होती है, तो मैंने घोषणा करी है कि अब 1 भी रुपया किसी का नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में ये योजनाएं चलती हैं। उज्ज्वला योजना का आपने जिक्र किया, उज्ज्वला योजना भी भारत के अंदर ऐसी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली योजना है जिसने उन गरीब माताओं बहनों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का काम किया। पहले हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकते फूकते उनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था, तमाम प्रकार की बीमारियां उससे होती हैं। फेफड़े की बीमारी हो रही है, पेट की बीमारी हो रही है, आंख की बीमारी हो रही है, कान की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, उन सब से निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इस योजना का सीधे सीधे मुफ्त का गैस का सिलेंडर उनके घरों में पहुंचाने का काम, ये योजना का दूसरा चरण भी चालू हो रहा है, हो गया उसका दूसरा चरण भी चालू हो गया। आंशिक रूप से जो लोग रह गए उसमें उनको आच्छादित किया जाएगा। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो भी एक नई क्रांति लाने वाला था, शौच जाने में, शौचालय की जिस प्रकार की परेशानियां हमारी माताओं बहनों को, एक सामान्य वर्ग के लोगों को होती थी, ये सारी योजनाएं अंत्योदय के एक सिद्धांत को पूरा करती है, उस एकात्म मानववाद को पूरा करती है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो इसी प्रकार की योजना है। अभी जल जीवन मिशन जो प्रारंभ हुआ है और उसका लक्ष्य है कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल होगा और उस नल से हर घर में जल होगा, और हमने भी उसका लक्ष्य लिया है 2022 तक हम उस योजना को उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से पूरा कर देंगे। और उत्तराखंड के अंदर मात्र 1 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, मात्र 1 रुपए की सरकारी, और शहरी क्षेत्रों में उसका 100 रुपये की है वो लॉन्च होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बारे में समय समय पर आप सबके बीच में आते हैं। अभी मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 4 जुलाई से लगभग 75 दिन का समय लगभग पूरा हो गया है, तो इन दिनों में कुछ हम लोगों ने काम किया है। वैसे तो हमारी सरकार पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं
जो शुरू हुई है उन योजनाओं को जिनका शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, पूरी हो रही है, लगातार काम चल रहा है, घोषणाएँ जो हुई हैं उन घोषणाओं को अमल में लाया जा रहा है। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि हम नौजवानों के लिए, नौजवान युवा बेरोजगारों के लिए हमने 24,000 जो हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की हमने प्रक्रिया शुरू की और समूह की परीक्षाएँ होती थी, वो परीक्षाएँ पिछले कोरोना महामारी के कारण से हो नहीं पाई, तो उनमें एक वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई। इसी प्रकार से जो आवेदन शुल्क है, अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी हमारे यहाँ की, उन परीक्षाओं को आवेदन शुल्क को शुल्क रहित कर दिया, यानी बहुत सारे भाई बहन जो इन परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन सबको हम लोगों ने कोशिश की है सरकार ने कि उनको राहत देने का काम करें। इसी प्रकार से जो पर्यटन क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, नौकायन के क्षेत्र में काम करने वाले, अभी हमारी चारधाम यात्रा बंद थी, उस यात्रा के न चलने के कारण से उन सब लोगों को तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, उनको हम लोगों ने 200 करोड़ रुपये का हमारी सरकार ने पैकेज दिया है और उस पैकेज का DBT के माध्यम से उनके खातों में पैसा आना शुरू हो गया। उसका उदाहरण क्या है, अभी मैं टिहरी गया था तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा सबसे कि वहाँ के लोग मुझे मिले वहाँ पर और उन्होंने कहा कि हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि हमारे खातों में जो राहत राशि आपने भेजी है वो आनी शुरू हो गई। हमने जितनी भी घोषणाएँ करी हैं वो सारी घोषणाएँ लगातार हम धरातल पर उतार रहे हैं, उनको लगातार उनके शासनादेश जारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गरीब बस्तियों में रहने वाले हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, उनके लिए हमने 3 साल की समय सीमा बढ़ाई है, एक्ट लेकर आए। कल हमने नजूर के लिए भी नया एक्ट लाने के लिए हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है। बहुत सारे क्षेत्रों में पर्यटन बढ़े, इसके लिए हवाई यात्राएं यहाँ के लोगों के लिए सस्ती हों, आने जाने के लिए उनका सफर आसान हो, उसके लिए हम लोग एविएशन टर्बो फ्यूल बोलते हैं, हवाई जहाज का तेल भरा जाता है, उसमें हमने 18% की से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हम दिसंबर माह तक, 15 दिसंबर तक हम कोरोना का 100% वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, आप हमको वैक्सीन दे दीजिए। वैक्सीन हमको बहुत कम मिल रही थी तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ के लिए जितनी वैक्सीन हमको चाहिए थी हमको वैक्सीन मिल रही है। हम आज 92% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन कर सकते हैं, 100% वैक्सीनेशन हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग जिला, बागेश्वर जिला, बॉडी का हमारा किसु ब्लॉक और तमाम जगह पर लगातार बढ़ रहा है और जो लोग छूटे हुए हैं हम उनको भी जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। देखिए जब पंडित जी की बात आती है तो जो पंडित जी का दर्शन था, पंडित दीनदयाल जी का दर्शन था, उसको साकार करने का काम आज भारत की सरकार कर रही है। एक तरफ कुछ लोग अनुसंधान कर रहे हैं और कोरोना महामारी को लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने वैक्सीन को बनाया और वैक्सीन भारत के साथ साथ देश दुनिया के अन्य देशों को भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी पहचान है उसको एक नए तरीके से लाने का काम, मजबूत भारत, शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, जिस भारत की हम कल्पना करते थे, जो राष्ट्र नीति से संबंधित है, राष्ट्रवाद से संबंधित है, अभी हमको देखने को मिला कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमारे देश के इतने सारे लोग वहां फंस गए और उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग फंस गए, उन सभी को एक एक को लाने का काम भारत की सरकार ने किया। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। अफगानिस्तान से आए थे उन सबका हमने यहाँ पर अभिनंदन किया। एक बात मुझे अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैंने बचपन से देखा है
एक सैनिक के जीवन में उसके परिवार में कितने प्रकार की कठिनाइयां होती, किस प्रकार से अपने छोटे बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने आसपास को छोड़कर सेना के अंदर काम करते हैं। तो मैं 1962 के युद्ध के बाद, हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जितना मैं सुनता था लगातार, जब भी कभी चीन की बात आती थी तो हमारा मन थोड़ा सा बहुत जोश में होता था तो वो थोड़ा कम हो जाता था। कई बार हम क्या मन में जो है वो उत्साह जो है न्यूनता की ओर आ जाता था, कि हम हमेशा सोचते थे चीन की सेना बड़ी शक्तिशाली है, चीन के पास नए नए आधुनिक तकनीकी है, उनके पास लड़ने के कई वो है, सब प्रकार की चीजें उनके पास है, क्योंकि वो हमको विरासत में मिला था और वो नेतृत्व के कारण से भी मिला था। उसको भी समाप्त करने का काम गलवान में हमारे 20 जो योद्धा जिन्होंने जो है वहां पर अपने प्राणों का बलिदान तो दिया, लेकिन वो आगे के लिए गाथा लिख गए और उस गाथा को आगे बढ़ाने का काम। वहां से पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। आज हमारा ऐसा नेतृत्व है, इस प्रकार की पंडित जी ने कभी जो उन्होंने एक विचार हमारे सामने रखा था राष्ट्रनीति का, राष्ट्रवाद का, उस सभी को साकार करने का काम हो रहा है। मैं आज के अवसर पर मैं सभी आयोजकों का, सभी आयोजक अतिथियों का, आप सभी का, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पर जब से मैं इस आवास में आया हूँ पहली बार आया हूँ, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे विनायक जी ने, आदरणीय नरेश जी ने और हमारी दीदी ने, सुभा जी ने, सबने कहा है कि वो जो जमीन का विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान के प्रतिष्ठान के लिए, उसको चूंकि पहले मैंने लिखा है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि वो विषय हमारा जो है उसका समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।